पूरा महादेव तो यहाँ से चप्पल सजा सकता है। हेलो दोस्तों, तो की हाल चाल, जय महाकाल। करते आज के ब्लॉग 5 की शुरुआत। तो दोस्तों, हम नारायणपुर से निकल रहे हैं और ये हमें छोड़ने आया है। अब हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे पूरा महादेव के लिए। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और फ्लैशबैक में आप देखिए, फ्लैशबैक मेरी कावड़ की सीरीज चल रही है डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से। तो वो आपको या तो वीडियो के एंड में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अपना जल उठाते हैं और अपनी आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। 1 hour later देव 6 किलोमीटर और यह है यहाँ पे किनौनी मेल। वो देखिए कृष्ण घोड़ा मुझसे आगे जा चुका था। दोस्तों, मैं हर बार यहाँ पर रेस्ट करने के लिए जो रुक तो चाहे मैं 10 मिनट रुकूँ, यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगती है व्यवस्था। देखिए वहाँ पर ही नहाने की व्यवस्था है और यहाँ पे देखिए मोटर पंखा लगा हुआ है इसमें हवा के लिए। दोस्तों, हम पूरा महादेव में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो पार्किंग लगी हुई है दोनों तरफ पे। इससे पीछे कार की पार्किंग थी, इसके बाद बाइक की पार्किंग है। चलिए बोले, अब ये बोले जो चढ़ा के आ रहे है पूरा महादेव 0। हम पहुंच चुके हैं पूरा महादेव। पूरा महादेव से पहले ये पड़ती नदी, अधिक कितना जल जल वो हो चुका है काली नदी। पूरा महादेव की मार्केट जहाँ से प्रसाद मिलता है और सामने मंदिर। ये देखिए बोलो हर हर महादेव। अगर किसी को भी चप्पल की जरूरत है तो यहाँ से चप्पल सजा सकता है। दोस्तों, मंदिर प्रवेश कर चुके हैं। तो यह हेलीकॉप्टर हमारे फूल हेलीकॉप्टर आया योगी बाबा करने के लिए। दोस्तों, पूरा महादेव पहुंचने के बाद मैंने अपने जल यहाँ पे बांध दिए। अब मैं यहाँ से जल लेके चलूँगा मंदिर की ओर और हमने बैग वैग अपने सब यहाँ पे रख दिया। हमारे गांव का मिल गया था एक बंदा जानने वाला, तो उसके पास बैग रख दिए। तो हम भी चलते हैं महादेव के पास जल चढ़ाने के लिए। हमने अपना बैग इनके पास रखा है। अगर हमारा बैग चोरी होता है, कुछ भी होता है, इसकी स्वयं जिम्मेदार ये होगी। मैंने इनको वीडियो बना के प्रूफ भी रख लिया है, ये प्रूफ है वरना ये पकड़े जाएंगे। ये हमारे भाई है, हमारा मजा कर रहे हैं, ये हमारे भाई है, ध्यान रखिए। ये देखिए बैग, हम चलते हैं और महादेव को जल अभिषेक करके आते हैं। बोलो हर हर महादेव। तो हम फाइनली पंक्ति में आ चुके हैं, आप देख सकते हो तिरुसी के जल चढ़ने के लिए श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ है। महादेव उठ के आ गए, देखिए आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लगे हुए बैरियर। और दोस्तों, इस बार पिछली बार थोड़ा चेंजिंग है, इस बार थोड़ा रास्ता बदल गया है और पंखों की व्यवस्था है। यहाँ पर कावड़ी चल रही है के लिए पंखों की व्यवस्था हो चुकी है इस बार, वरना पहले उधर को आना होता था, पर इस बार बहुत अच्छा बना दिया है सिस्टम चलने का। यहाँ पर सिस्टम और यहाँ पर जलपान की व्यवस्था है पूरी।
बोलो हर महादेव। श्रद्धालुओं की संख्या पंक्ति लगी हुई है और इस भोले की पंक्ति में हर हर महादेव मंदिर के अंदर प्राण पहुंच गए हैं और पास में ही मंदिर अभी दोस्तों हमने जल तो चढ़ा दिया है। उस टाइम बहुत भीड़ थी तो उस टाइम वहाँ से ब्लॉग बनाने की तो कोई फुर्सत नहीं थी, बहुत तेज तेज लोग थे, पूरी भीड़ थी, पूरे प्रेशर। तो फाइनली मैंने जल तो चढ़ा दिया है और यहाँ पे चल रहा है भंडारा। अरे यार बिल्कुल ही कर दे। अब मैं और किशन यहाँ भंडारा मारेंगे और इंजॉय करेंगे। तुम चलते हैं भंडारे में, यहाँ पर भंडारा चल रहा है, खिचड़ी है, मेरी मन पसंद है। अब इस वीडियो में हम चलेंगे दोस्तों, फाइनली हमें भंडारे में जहाँ मिल चुकी है, फाइनली भंडारे में जहाँ मिल चुकी है। और जो हमें मिली है लोकेशन वो बहुत बेस्ट है, पता चल रहा है बहुत तेज और कि सामने जो हम बैठे हैं हो गया बैठे बैठे, पर हमारे लिए भी दोनों नहीं आए। हम यहाँ जग मारने आए, बैठो बैठो। अरे हम लोग यहाँ जग मारने आए, घूमने आए यहाँ पर। फाइनली खाना आ चुका है दोस्तों, देखिए कितना प्यारा है। जो हमारे गांव के बोले आए हुए थे ये सब बोलते हैं कि आप यहाँ पर आराम कर रहे हैं, या बोले कि तो दोस्तों अब चलते हैं मेले में, आपको मेला दिखाते हैं। चलो भाई हमारी शॉपिंग शुरू हो गई है और मैंने लिया देखी श्याम बाबा, तो ना आपको कैसा लगा? मैंने लिया है ये आई अचानक बारिश। डोरेमोन कहाँ भीग रहा है बारिश में, डोरेमोन भीग रहा बारिश में। बोले इसके बाद जल रुकेगा, वो बस रुकेगी, उसके बाद हम नहाएंगे और फिर जाएंगे जल चढ़ाने चौदस को। चौदस की लाइन में लग चुके हैं, आप देख सकते हो चौदस में जो उससे ज़्यादा भीड़ है भाई, देखो दूर दूर तक। दोस्तों हम मंदिर के प्रांगण में भी दोबारा आ चुके हैं। देखिए रात में मंदिर का ऐसा विजन है, अरे अपनी भीड़ है की भीड़ आप अपने भक्त को बोले। तो दोस्तों फाइनली मैंने जल चढ़ा दिया है और मैंने अपनी यात्रा पूरी कर ली, इसके बाद मैं आ गया बलैनी में। अब यहाँ से मैं घर के लिए करूँगा प्रस्थान, यहाँ पे खड़ी है बस, अब हम बस में बैठ के जाएंगे अपने घर और फिर वहाँ से पूजा करेंगे, उसके बाद फिर हम खाना वाना खाएंगे और कंप्लीट करेंगे अपनी यात्रा। तो ठीक है दोस्तों, मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी बस में है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अगर आप चैनल पर देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ इंस्टाग्राम का पेज या फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी न्यू ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, हर महादेव।